आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पलपल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। होली के दिन उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिससे ये बात जगजाहिर हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार सत्ता पर काबिज तो हुई है, पर उतनी ही दुगनी तरीके से मुसलमानों के साथ शिद्दत से नफरतें भी बढ़ गई हैं, जिसकी तस्वीरें होली के दिन देखने को मिली। क्योंकि होली के दिन ही जुम्मे की नमाज और शब-ए-बरात का दिन, ये माने कि नफरतकारों को नफरत फैलाने का मौका दे गया हो। जहां पुलिस प्रशासन ने यह दावा किया था कि हमने चाक चौबंद कर रखे हैं, नफरतबाजों को नफरत फैलाने का मौका नहीं दिया जाएगा, पर अफसोस ऐसे नफरतबाज जो कि नारा लगा रहे थे कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी और भगवाधारी गुंडों द्वारा। जो तस्वीर उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है वो कई सारे सवाल प्रशासन पर और योगी सरकार पर खड़े करती है। जहां उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही थी कि मैं मुसलमानों से और मुसलमान मुझसे प्यार करते हैं, पर इस मिथक को तोड़ने की कोशिश जो है भगवाधारी गुंडों द्वारा की गई है, जो खुल करके होली के दिन सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते हुए दिखाई दिए। और ये नफरत की तस्वीर संभल से सामने आई, अमरोहा से सामने आई, फतेहपुर से सामने आई और डुमरियागंज से। किस तरीके से नफरत जो है परोसी गई है होली के दिन, जो कि एक मोहब्बत का त्योहार था, आपसी रंग घोले जाने थे मोहब्बत के, नफरत घोलने का काम उस दिन भी इन गुंडों द्वारा किया गया है। सबसे पहली तस्वीर को तरफ लेकर के चलता हूं आपको, जहां अराजक तत्वों ने होली के दिन पुरानी सैयद बाबा मस्जिद स्थल को तोड़ दिया और उस पर जय श्री राम लिख दिया। क्षेत्र में तनाव का माहौल बरकरार है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर स्थित कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रेवाड़ी बुजुर्ग गांव में शरारती तत्वों ने एक वर्षों पुरानी सैयद बाबा की दरगाह को होली व शबे कद्र जैसे दो पवित्र त्योहारों के मौके पर तोड़कर माहौल खराब करने का प्रयास किया। बृहस्पतिवार 17 मार्च को आश्वासन हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों को जानकारी हुई तो भारी भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों समुदाय के लोगों को समझाने बुझाने के बाद मरम्मत कराने का काम शुरू कर दिया गया। शरारती तत्वों ने दो समुदाय में टकराव कराने के उद्देश्य से क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थल में जय श्री राम लिखने की साजिश रची। आपको बता दें कि आस्थावना लोगों ने इस हरकत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सवाल खड़ा किया कि जिन शरारती तत्वों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम नफरत फैलाने में इस्तेमाल किया है, उसने न सिर्फ राम के आदर्शों को ताक में रखा बल्कि उन्हें हिंसा के रूप में भी प्रस्तुत किया। जबकि श्री राम समाज को जोड़ने के लिए जीवन भर संघर्षरत रहे, ऐसा कृत्य करके राम के नाम को भी बदनाम किया जा रहा है। पूरे मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए साजिश करने वालों की खोजबीन शुरू कर दी है। वहीं क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थल को बनाने का काम जारी है। धार्मिक स्थल गांव के ही कुछ दूर खेत पर स्थित है। ग्रामीणों ने बताया कि धार्मिक स्थल खेतों के बीच में होने के कारण आस्थावनों के आने जाने पर पिछले काफी दिनों से टोक की जा रही थी। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक कल्याणपुर अनुरुद्ध दुबे ने बताया कि प्रार्थना पत्र के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही मामले का पर्दाफाश करके अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रशासन ने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। ये तस्वीर फतेहपुर से पहली सामने आती है जहां होली के दिन नफरत फैलाने की कोशिश की गई। सैयद बाबा की मजार पर तोड़फोड़ करके जय श्री राम लिख दिया गया। और सिर्फ एक ही तस्वीर फतेहपुर से नहीं बल्कि अमरोहा से भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां अमरोहा में नमाज के दौरान मस्जिद के पास होली पर बचा योगी फिर आयो रे, दो गुटों में पथराव और केस दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि यूपी के अमरोहा में
होली पर गाना बजाने को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। विवाद होने के बाद दोनों गुटों के बीच खूब पत्थर चले और कई लोगों को चोटें भी आई। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की खोज जारी है। यह घटना अमरोहा के छंगा दरवाजा क्षेत्र की है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों से जानकारी मिली कि होली के दिन पहले शुक्रवार को कुछ लोग योगी फिर आयोरे नामक गाना बजा रहे थे और बगल में ही मस्जिद है जहां पर नमाज चल रही थी। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोगों ने नमाज होने तक गाने को रोकने की मांग की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच पत्थर चलने लगे और इसमें कई लोगों को चोटें भी आईं। पूरी घटना पर पुलिस ने कहा कि यह घटना शुक्रवार को हुई, जब होली के मौके पर मौज मस्ती करने वाले मस्जिद के पास लाउड स्पीकरों पर गाना बजा रहे थे। नमाज अदा होने तक रुकने को कहा गया, जिससे विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया, जिसमें 2 लोग घायल हुए, जिनमें से 1 का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। तकरीबन शुक्रवार को करीब 1:30 बजे ये विवाद शुरू हुआ। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज भी थी और इसी दौरान डीजे की आवाज को बंद कराने को लेकर ये विवाद जो है शुरू हुआ था, जहां प्रशासन ने और तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी मस्जिदों से ये ऐलान कर दिया गया कि होली के त्योहार को देखते हुए हम लोग अपनी नमाजों के समय को 1.5 घंटे आगे बढ़ाएंगे। जहां 1 बजे जमात होनी थी, वहां 1:30 बजे 1:45 बजे के आसपास जमातें रखी गई। जब नमाजों का समय बदला जा सकता है तो 5 से 10 मिनट की नमाज होने के लिए अगर डीजे बजवाने के लिए रोक दिया गया तो उस पर विवाद खड़ा कर दिया गया। ये तस्वीर बयां करती है कि मोदी जी के उस मिथक को ये लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ समाज में नफरत घोल देना चाहते हैं। इसमें सिर्फ शरारती तत्व ही नहीं, खुद डुमरियागंज से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी शामिल हैं, जो कि शोभा यात्रा निकालते हैं मुस्लिमों के इलाके से और उनके चेले नारा लगाते हैं, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ये तस्वीर डुमरियागंज से सामने आई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। दोस्तों, आपने महज 10 से 15 सेकंड का ये वीडियो देखा। उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान यात्रा में शामिल लोग विशेष समुदाय के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। माहौल बिगाड़ने की नीयत से कुछ लोगों ने विवादित नारे लगाने शुरू कर दिए। बता दें कि शोभा यात्रा नगर पंचायत के बैदुल्ला चौराहे से डुमरियागंज तक निकली थी। डुमरियागंज से पूर्व बीजेपी विधायक रहे राघवेंद्र सिंह उन्हीं की अगुवाई में ये यात्रा निकाल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक की देखरेख में मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे के नारे लगाए गए, जहां मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की गई। पर सलाम है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, जिन्होंने उन नफरती तत्वों के मंसूबे को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया और किसी भी विवाद को खड़ा करने में कदम नहीं उठाया। और नफरतबाजों के चेहरों को तो देश और दुनिया देख ही रही है। ऐसी ही तस्वीर जो है संभल से भी सामने आई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में होली के मौके पर एक अप्रिय घटना हुई। यहां होली के जुलूस के दौरान एक मस्जिद पर कुछ लोगों ने रंग फेंक दिया। इस घटना ने विवाद का रूप ले लिया। बता दें कि रंग फेंके जाने के बाद पथराव की घटना हुई। एजेंसी के मुताबिक संभल के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने कहा कि घटना संभल कोतवाली खग्गू सराय इलाके में हुई है। पुलिस ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने एक मस्जिद पर रंग फेंक दिया था। ये तस्वीर संभल से सामने आती है, जहां मस्जिदों को ढका जा रहा था होली के दिन त्रिपालों से कि किसी तरीके का विवाद ना हो। मुसलमानों ने मस्जिदें भी ढकी, अपनी नमाजों का टाइम भी बढ़ा दिया और जहां मुस्लिम विरोधी नारेबाजी लगाई जा रही थी वहां पे इस खामोशी भी इख्तियार कर ली गई। क्या प्रशासन ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करेगा, जो बुलडोजर बाबा से फेमस हो करके
प्रदेश में फिर से सत्ता पर काबिज हुए हैं। क्या ऐसे नफरती तत्वों के ऊपर बुलडोजर चलाने की जद्दोजहद करते हुए दिखाई देंगे या फिर खामोशी इख्तियार करके इनके मंसूबे को बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आज आप सफल नहीं हुए, कल आपको फिर से इसमें सफल होना है। मैं ऐसे ही नफरत बाजों की तस्वीरों को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।